ताजा मामला चित्रकूट के जंगल के सामने आया है, जहां धड़ल्ले से जंगल के भीतर से वाहन डालकर पत्थरों का अवैध खनन और परिवहन किया जा रहा है। इसकी शिकायत इलाके के रेंजर से कई बार की जा चुकी है। इलाके के लोगों का आरोप है कि डिप्टी रेंजर के संरक्षण में अवैध खनन हो रहा है। चित्रकूट के जंगल में स्थानीय ठेकेदारों के द्वारा पत्थरों का काला कारोबार कर बेचा जा रहा है। राजोला, चित्रकूट मोड़ा, पथरा, पालदेव, गुप्त, गोदारी, भैरम बाबा के जंगलों में वन विभाग के जिम्मेदारों के संरक्षण में पत्थर खनन कर बेचा जा रहा है, जिसमें बाकायदा सिपाही से लेकर डिप्टी रेंजर तक प्रति ट्रिप के हिसाब से कमीशन फिक्स है। सूत्र बताते हैं कि विगत एक साल के अंदर करीब 15 किलोमीटर लंबी पत्थर की बाड़ को ठेकेदारों के द्वारा बेचा जा चुका है। 2.5 से 3 हजार प्रति ट्राली के हिसाब से यह पत्थर बेचा जा रहा है। साथ ही इनके द्वारा जंगल में खदान लगाकर पत्थर का अवैध खनन किया जा रहा है। जंगल में हरे भरे पेड़ों को भी काट कर इन्हें बेचा जा रहा है। सतना से पंकज कुशवाहा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।